हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम वन विद एक्सप्रेशंस गिवन इन कॉलम टू. सो कॉलम वन में कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि दैट डिटरमाइंस द कॉन्सेंट्रेशंस इन केमिस्ट्री कॉलोरीमेट्री, एंड इन कॉलम टू में उनका फॉर्मूलाज दिया गया. सो हमें उनको पेयर अप करना है, कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का. तो चलिए देखते आवर की कॉन्सेप्ट इज डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन स्टोइकोमेट्री. चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है मास परसेंटेज. मास तो मास परसेंटेज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ओके वेट. सो मास परसेंटेज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट जो है, बिकॉज दीज आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस में जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100. आई एम राइटिंग दिस बिकॉज दिस साइड इज द लोकल नो स्पेस. ओके सो ये कहाँ पे है? इफ तो लेट मार्क दिस एज 1, 2, 3, 4 and 5. आई एम मार्किंग इट बिकॉज इन द क्वेश्चन ऑप्शन द मार्किंग इज गिवन एज दैट, बट इन द कॉलम टू दिस देर इज नो सच काइंड ऑफ मार्किंग. सो ए विल गो विथ 4. ओके चलिए बी देखते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज बेसिकली इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कंपोनेंट इन सोल्यूशन, बिकॉज वॉल्यूम है तो सब वॉल्यूम हमी को निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला एंड परसेंटेज सब इन टू 100. सो बी का जो है बी विल गो विथ 3. अब सी देखते हैं मोल फ्रैक्शन. So its formula will be number of moles of a component divided by total number of moles of ऑल कॉम्पोनेंट्स. ठीक है ये फ्रैक्शन पूछा, इसे नॉट वी विल नॉट डू इनटू 100. ठीक है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट बाय टोटल नंबर. स्मॉल फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के टर्म्स में देना पड़ेगा. सो सी इज गोइंग विथ 2. अब डी देखते हैं. डी इज मोलालिटी. मोलालिटी इज बेसिकली number of moles of solute component divided by mass of solvent. Molality is always number of moles of solute component divided by mass of solvent in kilogram.
Okay, that is in kg. Remember, this is the SI unit. So D इसके साथ जाएगा 5 kg. ठीक है, अब ई फाइनल ई देखते हैं, मोलरिटी. मोलरिटी एंड मोलरिटी इज बेसिकली टर्म फिक्स्ड, सो रिमेंबर द डिफरेंस एंड द फॉर्मूलाज आल्सो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, मोलरिटी पूछा है, नॉट मोलरिटी. इसलिए क्या होगा, मोलरिटी का टाइम जब आर हो, ये आर रहेगा, तब इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, एंड दिस इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट मीन्स द एसआई यूनिट विल बी मोल पर लीटर. दिस एसआई यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर एंड दिस एसआई यूनिट इज मोल्स पर केजी. ठीक है, तो ई का क्या आ जाएगा, ई का आ जाएगा 1. तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा क्या क्या है. हम लोग ऑलरेडी मैच कर लिए, अब देखते फाइन. तो ए का 4 है, तो ए इधर. बी का क्या है, बी इज 3, सी इज 2, बी इज 3, सी इज 2, ए इज 4, बी इज 3, सी इज 2, डी इज 5, ई इज 1. सो डी इज 5, ई इज 1, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. So we can write our answer is option B. Hope you have understood. Best of luck.